नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ओनली जेके गवर्नमेंट जब स्टूडेंट क्वाइट में। आज की वीडियो में बात करेंगे जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी भर्ती के बारे में। आप लोगों को बता दें कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए एक गुड न्यूज़ आई है, इंडियन आर्मी की भर्ती सितंबर में आ चुकी है। आप लोगों को काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि अमृतसर में कौन सी भर्ती है, अमृतसर में कोई भर्ती है इंडियन आर्मी की जम्मू कश्मीर वालों के लिए? आपको बता दें कि भर्ती है, सितंबर में भर्ती वो होगी और कौन कौन कैंडिडेट्स वहाँ भर्ती देखने जा सकता है, किस किस कैंडिडेट्स ने ये रजिस्ट्रेशन फिल करनी है, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर आपको बता दें कि इंडियन आर्मी के अगर आप एस्पिरेंट्स हैं, इंडियन आर्मी की तैयारी करें हैं, करंट अपडेट नोटिफिकेशन और गवर्नमेंट जॉब की हर प्रकार की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को आज से ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल में हमेशा ऑफिशियल जानकारी दी जाती है, कभी भी फेक या फालतू जो व्यूज़ के लिए डेली वीडियोज़ नहीं आता है। इसलिए आपको बता दें कि अपने क्लासमेट के साथ, अपने बैचमेट के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बता दें कि 25 जुलाई को इंडियन आर्मी का रिटर्न संजमा वाला कंडक्ट होने वाला है, जिसमें लगभग 3800 के आसपास कैंडिडेट्स हैं और उसमें वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 2000 प्लस यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी और कम से कम अगर आपके 20 क्वेश्चन ठीक होंगे तो आसानी से आप लोगों का नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपको बता दें कि ऑलरेडी ट्रेनिंग सेंटर है, उसके चलते आपकी वैकेंसी कुछ ज़्यादा ही देखने को इस बार मिल सकती है। और बात करते हैं इस भर्ती की, जो भर्ती आपको बता दें कि ये भर्ती अमृतसर में होने वाली है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 16 सितंबर से ये भर्ती के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, नहीं 16 सितंबर से 30 सितंबर तक जो भर्ती चलेगी, 18 जुलाई से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन होंगे। आपको बता दें कि इसमें जम्मू कश्मीर के सारे युवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कोई भी कैंडिडेट्स जिसके पास डी फार्मा का सर्टिफिकेट है, ध्यान रखें जिसके पास, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 25 साल में उम्र रखी गई है 1 अक्टूबर 1996 के लेकर 30 सितंबर 2002 के बीच में जो कैंडिडेट्स आते हैं, साथ में 12th पास होनी चाहिए क्वालिफिकेशन और डी फार्मा क्या होता है, काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं कि डी फार्मा क्या होता है। आपको बता दें कि डी फार्मा एक सर्टिफिकेट होता है, जैसे आप 12th के बाद किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो डी फार्मा करते हैं, 12th के बाद डी फार्मा करते हैं, यानी कि एक डॉक्टर की डिग्री ही आप लोग मान सकते हैं डी फार्मा, आउट ऑफ स्टेट्स में करते हैं या कहीं भी, एक सर्टिफिकेट होता है जो 3 साल के बाद होता है। अगर वो है आपके पास तो इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, अदरवाइज इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। आपको बता दें कि बहुत ही जल्द इसी तरह से एक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी जिसमें जीडी का 10th पास, उसके बाद टेक्निकल क्लर्क और ट्रेडमैन्स के फॉर्म भी लगने वाले हैं। आप लोगों को बता देंगे, आप लोगों की जो ओपन रैली होगी कश्मीर जम्मू में, और वो भर्ती आपको बता दें कि अक्टूबर के एंडिंग और नवंबर के बीच में होने वाली है, उसके रजिस्ट्रेशन भी जल्द शुरू होने वाले हैं। आप लोग रनिंग की तैयारी साथ साथ में रखें। और आपको बता दें कि ऑल इंडिया में इंडियन आर्मी की भर्ती चल रही है, ये एक अच्छी खबर है। कश्मीर डिविजन में बहुत ही जल्द एडमिट कार्ड आने वाले हैं और अगस्त के एंडिंग या सितंबर के 1st और 2nd वीक में कश्मीर की भर्ती भी हो जानी है। ऑल द बेस्ट। किसी और कैंडिडेट्स को कोई डाउट्स हो तो कमेंट जरूर करें, कमेंट के जरिए रिप्लाई देंगे। हमारे चैनल में हमेशा ऑफिशियल जानकारी डायमंड्स और प्रोवाइड करवाई गई है, इसलिए आप लोग ज़्यादा नहीं देखते, बट जो आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए, अगर टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी कर रही हैं या कोई अदर डिपार्टमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, तभी भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।